दोस्तों रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का अभी के टाइम पर मार्केट में करंट प्राइस देख सकते हो 95 रुपीज़ है। और कंपनी ने दोस्तों लास्ट में फ्राइडे को अच्छे खासा तेजी दिखाया दोस्तों, देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर डाउन में था और उसके बाद स्टॉक में थोड़ा बहुत तेजी दिखने को मिला है दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होने के बाद उसका प्री ओपनिंग प्राइस देखना दोस्तों कि कैसा है। अगर प्री ओपनिंग प्राइस अच्छा दिखने को मिले दोस्तों तो आप मार्केट में एंट्री कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, और नेक्स्ट डे का जो टारगेट रहेगा दोस्तों वो रहेगा 97 रुपीज़, इसका अपर टारगेट। और बहुत ज़्यादा चांसेस है 97.5 पैसे के आसपास जाने का। और इसका जो लोअर टारगेट रहेगा दोस्तों वो रहेगा 93 के आसपास। ठीक है, तो आई होप कंपनी का अपर टारगेट एंड लोअर टारगेट के बारे में आपको पता चला। पर उसके बाद भी दोस्तों खुद एनालिसिस करके मार्केट में एंट्री करना, ठीक है। खुद को मार्केट में एंट्री करने के लिए खुद का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।